सोतापन की अवस्था के बाद में जो दूसरा लेवल यानी दूसरा स्टेज और दूसरी जो चेक आती है वो आता है सकदागामी। सकदागामी सोतापन जो व्यक्ति हो जाता है उसके बाद अगर लगातार वो विपश्यना में अभ्यास करता रहता है तब ये अवस्था आती है, मगर इस अवस्था की कंडीशन होती है। सकदागामी का मतलब है सकता है आगामी, यानी कि आ सकता है। आ सकता है का मतलब क्या है, यहाँ एक बार पृथ्वी पे और जन्म लेगा, यानी एक बार और ले सकता है, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सकदागामी या सकदागामी। आगामी का मतलब आना होता है, गामी का मतलब जाना होता है, तो यहाँ सकदा आगामी ये शब्द है, यानी एक बार पृथ्वी पे और आएगा। इसकी कंडीशन क्या है सकदागामी की, जो सोतापन व्यक्ति है अगर वो सोतापन होना चाहिए, सोतापन व्यक्ति आगे जब बढ़ता है विपश्यना करते हुए ध्यान में, तो उसका अगर राग द्वेष और मोह मूर्ता अगर वो कमजोर पड़ने लगी है, क्षय होने लगी है, खत्म होने लगी है और या खत्म हो गई है, तो ऐसा व्यक्ति सकदागामी होता है। उसका एक बर्थ और होगा, या तो विद बॉडी होगा और या विदाउट बॉडी होगा, उसके बाद में फिर उसका जन्म नहीं होता, वो अपने जीते जी अपने दुखों से मुक्त हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं कैन बी वन बर्थ, यानी कि एक बर्थ और हो सकता है सकदागामी। धन्यवाद।